अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी गाड़ी खाली हो गई है और मैं ये जहाँ खड़ा हूँ इसको वालक पाटिया बोलते हैं। ये अपनी गाड़ी यहाँ पे खड़ा हूँ, वो पार्टी वाला जो है वो भाड़ा देने के लिए आ रहा है, तो यहीं पे अपनी गाड़ी खड़ी किया हूँ। जाता हूँ चाय पीने के लिए, जब तक चाय पीऊँगा तब तक वो आ जाएंगे। और अपनी गाड़ी, मेरे को जाना है भरने के लिए, कि ब्लॉक भरने जाना, तो फिर इंशाल्लाह आगे का फिर आपको दिखाता हूँ कैसे मतलब ब्लॉक लोड होता है, कैसे कंपनी में एंट्री होती है। अभी तो फिलहाल मैं चाय पीने जा रहा हूँ। वाला मरते मरते बचा, और ये देखो ये देखो, ये है ना, घर से मेरे को लगता है मरने के लिए ही निकलते हैं मादर वक्त। ये नहीं देखेंगे साला ब्रेक होगा कि नहीं होगा गाड़ी, इतनी बाइक लेके चल रहे, देखो आराम से इधर उधर देखते हुए जा रहे हैं। जैसे रोड नहीं, बाप का बगीचा हो ना, बाइक पे चलो तो पापड़ बन जाओगे। अभी पीपी सावनी स्कूल है, यूनिवर्सिटी बहुत बड़ा। ये देख सकते हो पीपी सावनी यूनिवर्सिटी है, ये पूरे गुजरात में एक ये है, दूसरा पारोल यूनिवर्सिटी है। अफ्रीका से बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए। देख सकते हो अभी मैं जा रहा हूँ सीधा सीधा, बाइक वाले ने एकदम से ब्रेक मार दिया था। अभी ऐसा रोड है, इसमें राइट से सामने से गाड़ी आ रही हो और लेफ्ट में कोई जगह है नहीं, एकदम से अगर आप कोई भी ब्रेक मारेगा, अभी चाहे मैं ब्रेक मारूंगा तो पीछे वाला अगर स्पीड से चल रहा है तो मेरी गाड़ी में घुस जाएगा। तो अगर इमरजेंसी है भाई आपको, तो पहले पीछे देख लो कि भाई मेरे पीछे कोई गाड़ी है कि नहीं है, क्या है, उसके बाद फिर मतलब रुका जाता है, वो भी साइड में रुका जाता है। रेलवे का जो ब्रिज है, मतलब ये नया बना है, पहले नहीं था, अभी चालू हुआ है, कम से कम एक आध दो महीना हुआ है इसको। ठीक है दोस्तों, फिर अपने हाईवे पे मिलते हैं। अभी क्या है, सिंगल रास्ता है, फिर हाईवे का नज़ारा दिखाता हूँ, जहाँ अपने को जाना है करने के लिए वो भी दिखाऊंगा इंशाल्लाह। देखो दोस्तों, मैं हाईवे पे आ गया हूँ, सामने हाईवे है, ये रॉन्ग साइड से आ रहे हैं रिक्शा वाले। मेरे को यहाँ से तरफ जाना है, बोलो सीधा रोड अंकलेश्वर होते हुए वडोदरा
अहमदाबाद के लिए हो गया है। अभी मेरे को यहाँ से कीम जाना है, पहला ब्रिज छोड़ के दूसरे ब्रिज के नीचे से लेफ्ट मार के अंदर जाना है, जिस कंपनी में मेरे को भरने जाना है। मैंने एक्सप्रेस हाईवे है, यहाँ से भरूच 49 किलोमीटर है और वडोदरा 120 किलोमीटर। सूरत से लेके कोसंबा और पानोली पार्क जब तक नहीं होए तब तक राइट वाला पट्टा पकड़ के नहीं चलना चाहिए। अभी मैं इसके लिए चल रहा हूँ क्योंकि यहाँ ट्रैफिक लगी हुई है और वहाँ से रॉन्ग साइड में, लेफ्ट साइड से है ना, रॉन्ग साइड में सामने से गाड़ी आती है। ऐसे मैं हमेशा बीच वाले पट्टे में ही चलता हूँ। ये देखो अन्ना की गाड़ी कैसे नचा के वो जा रहा है, कच्चे माल की लग रही है। अगर राइट वाले पट्टे में चलोगे तो 1000 रुपया फाइन है। पीछे पुलिस की गाड़ी चलेगी, वीडियो बना लेगी, उसके बाद वो लोग मतलब जो फाइन भरना पड़ता है। अगर ड्राइवर बोलेगा कि नहीं भाई मैं तो ओवरटेक करने के लिए राइट पट्टे में चल रहा था, तो वो बोलेंगे कि भाई वीडियो दिखा देंगे, ये लो भाई वीडियो देख लो आप कितने टाइम से राइट पट्टे में चल रहे थे। मतलब सूरत से अगर आप अंकलेश्वर की तरफ जा रहे हो तो पानोली तक राइट वाले पट्टे में मतलब अगर मजबूरी हो तो ओवरटेक कर सकते हो, लेकिन वो भी ओवरटेक करके फिर राइट पट्टे से मतलब लेफ्ट बीच वाले पट्टे में आ जाना चाहिए। लेकिन कंटिन्यू जो लोग मतलब जैसे कोई कोई चलता रहता है, राइट पट्टा पकड़ लिया बस उसी में चलने का, न बीच में जाने का, न किसी को ओवरटेक करने का, कुछ नहीं, धीरे धीरे वो चलते रहते हैं। बहुत से लोग चलाते हैं ऐसे, तो इस तरह न चलाएं। हाँ अगर आपको एक ही पट्टे में कंटिन्यू चलाना है तो बीच वाला पट्टा पकड़ लो, आराम से चलते रहो। लेकिन बीच वाले पट्टे में चलने में मतलब लेफ्ट साइड देखो, राइट साइड देखो, दोनों तरफ देख देख के चलना पड़ेगा ना। इसके लिए बहुत से ड्राइवर होते हैं जो राइट पट्टा पकड़ लेते हैं, बस लेफ्ट तरफ लेफ्ट साइड देखना पड़े ना राइट साइड देखना पड़े। इसलिए जितना हो भाई सेफ्टी के साथ चले, अपनी जान बचा के चले, दूसरों को भी जान बचा के चले। अभी मैं यहाँ से हाईवे पर चढ़ा हूँ, उससे 2 किलोमीटर पहले एक बाइक वाले को कोई मतलब फोर व्हीलर वाला टक्कर मार के भाग गया। तो बाइक वाला तो बेचारा बेहोश पड़ा था, मैंने पूछा भी नहीं किसी को कि जिंदा है कि ख़त्म हो गया। लेकिन क्या है दोस्तों, संभाल के चलाना चाहिए गाड़ी, चाहे फोर व्हीलर हो, चाहे बड़ी गाड़ी हो, चाहे छोटी गाड़ी हो, कुछ भी हो, चाहे एक्टिवा क्यों ना हो, संभाल के चलाने का। हमेशा अपने फैमिली वाले घर पे अपना वेट कर रहे हैं कि भाई हमारा आदमी गया है, हमारा शौहर गया है, हमारा भाई गया है, हमारा बाप गया है कमाने के लिए, वो आएगा। तो सेफ्टी के साथ चले, धीरे चले, जहाँ 1 घंटा लगता है वहाँ 1.5 घंटा लगेगा, चलेगा, लेकिन सेफ्टी के साथ। अभी मेरे को ट्रांसपोर्ट वाले का फ़ोन पे फ़ोन आ रहा, जल्दी आओ जल्दी आओ। नहीं भाई मैं अपने हिसाब से चलूँगा, तुमको भरना है तो भरो, नहीं भरना है तो खड़ी रहेगी गाड़ी एक दिन, कोई बात नहीं, लेकिन क्या है सेफ्टी के साथ। जो रोजी रोटी लिखी है तो मिल के ही रहेगा, मेरे किस्मत में लिखा है तो मिलकर ही रहेगा, और जो नहीं लिखा है वो आके भी चला जाएगा। इसीलिए हमेशा सेफ्टी के साथ चले, अपना बाजू वाले को ध्यान रखे, पीछे वाले को ध्यान रखे, सबका ध्यान रखते हुए चलने का। ठीक है दोस्तों, फिर आगे कंपनी में चल के मिलते हैं। अभी मैं कंपनी पहुंचने वाला हूं, और सामने जो दिख रही है वही कंपनी है, उसी के अंदर गाड़ी लोड करना है। यहां से जो आगे चौकड़ी आ रही है, जो वहां से जो राइट रास्ता गया है वो हासोद के लिए और अंकलेश्वर के लिए है। वो पूरा रास्ता ऐसा ही सिंगल रास्ता है, ऐसा सिंगल रास्ता। और मैं कीम होके आया हूँ, तो भर के भी यहीं वापस कीम से ही जाऊँगा, क्योंकि ये सिंगल रास्ता है,
खुदा ना खास्ता कुछ हो गया, कोई आएगा भी नहीं, पहचान वाला भी नहीं मिलेगा। इधर हाईवे से क्या कोई ना कोई पहचान वाला तो मिल जाएगा, और होटलें भी हैं, कुछ ना कुछ खाने पीने के लिए मिल जाएगा। यही चौकड़ी है, ये रास्ता जो है सामने पूरा गया है उधर हासोर, हासोर होके अंकलेश्वर। तो सामने जो कंपनी दिख रही है वही कंपनी में गाड़ी लोड करनी है। अभी चल के वहाँ एंट्री कराता हूँ, मेरे पीछे एक डंपर वाला आ रहा है, हो सकता हो वो भी दरी लोडिंग के लिए आ रहा हो। यही कंपनी है, कीचड़ से गाड़ी का टायर बचाते हुए एंट्री की तरफ। अरे यार इधर दुनिया भर की गाड़ियां खड़ी है, क्या मेरी गाड़ी भरेगी। चलो देखता हूँ क्या है आगे चल के इसका पोजीशन। ठीक है दोस्तों, जो होता है बताता हूँ। दोस्तों गाड़ी की एंट्री करवा दिया हूँ, लेकिन क्या है मेरे से पहले बहुत सब गाड़ियाँ खड़ी है। ये देख सकते हो भावनगर की गाड़ियाँ खड़ी है, उसके बाद एक भर के खड़ी है, उधर खड़ी है, वो खड़े हैं दोनों। अब देखो देखते हैं कब तक गाड़ी भरते हैं, क्योंकि मेरे को ब्लॉक का टुकड़ा भरना है, अखा वाला ब्लॉक नहीं भरना है। वो जो बिल्डिंग बनती है बन के तैयार जब हो जाती है तो ऊपर वाला जो सबसे लास्ट वाला जो माला होता है उसको है ना वाटर प्रूफ बनाना चाहिए। देखो डंपर वाला आया। ठीक है दोस्तों, अगर गाड़ी लोड होती है कि नहीं होती है आगे फिर बताता हूँ।